नमस्कार दोस्तों, 24 टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यह है मेरा ऑनर प्ले और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं इसका OTG सपोर्ट टेस्ट। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या ऑनर प्ले एक्सटर्नल USB OTG डिवाइसेस को सपोर्ट करता है, और अगर ये USB डिवाइसेस को सपोर्ट करता है तो क्या ये मोर देन वन USB डिवाइस एक टाइम पे सपोर्ट करेगा। तो दोस्तों ये है मेरा ऑनर प्ले जिसकी हमने कुछ टाइम पहले ही अपने चैनल पे अनबॉक्सिंग की थी। अगर आपने इसकी अनबॉक्सिंग नहीं देखी है तो मैं आई बटन में उसका लिंक दे रहा हूँ, आप वहां जाके इसकी अनबॉक्सिंग देख सकते हैं। वैसे देखा जाए तो काफी अच्छी डिवाइस है, काफी स्टाइलिश डिवाइस है, काफी लाइट वेट और काफी प्रीमियम डिवाइस है। तो चलिए आज चेक करते हैं कि क्या ये OTG डिवाइसेस को सपोर्ट करता है। तो OTG सपोर्ट टेस्ट करने के लिए हमें सबसे पहले तो चाहिए USB टाइप सी टू माइक्रो USB OTG अडेप्टर। ऑल्दो आजकल USB टाइप सी टू फुल USB OTG अडेप्टर भी आने लगे हैं, लेकिन एज ऑफ नाउ मेरे पास USB टाइप सी टू माइक्रो USB OTG अडेप्टर अवेलेबल है, तो मैं इसी को यूज करने वाला हूँ। उसके बाद हमें चाहिए माइक्रो USB टू फुल USB OTG अडेप्टर, जो कि मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ, तो मैं इसीलिए इसको इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। और उसके बाद हमें चाहिए USB OTG डिवाइसेस, जैसे कि माउस हो गया, पेन ड्राइव हो गई और हार्ड डिस्क हो गई। तो चलिए टेस्ट की सबसे पहले शुरुआत करते हैं माउस से। तो माउस का OTG सपोर्ट टेस्ट करने के लिए मैं सबसे पहले इसका एक डोंगल है, जो मेरे पास वायरलेस माउस है, उसका डोंगल मैं OTG अडेप्टर में प्लग करने जा रहा हूँ। तो देखिए मैंने प्लग कर दिया है। उसके बाद मैं माइक्रो USB OTG अडेप्टर को USB टाइप सी OTG अडेप्टर में प्लग करने जा रहा हूँ। तो देखिए मैंने प्लग कर दिया। तो चलिए इसको फोन में प्लग करते हैं। तो देखिए मैंने OTG अडेप्टर फोन में प्लग कर दिया, और अगर आपने नोटिफिकेशन सुना हो तो फोन ने इसको डिटेक्ट कर लिया। तो चलिए नोटिफिकेशन एरिया में जाके देखते हैं कि हमें क्या दिखता है। तो अगर आप नोटिफिकेशन एरिया में देखें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कॉन्फ़िगर फिजिकल कीबोर्ड। तो ये एक नोटिफिकेशन है जो जब भी हम माउस कनेक्ट करते हैं तो उसमें दिखाता है, क्योंकि माउस हमारी एक इनपुट डिवाइस होती है जो कि कीबोर्ड की कैटेगरी में ही आती है। एंड्रॉयड इसे कीबोर्ड की कैटेगरी में ही कंसिडर करता है, तो इसीलिए कॉन्फ़िगर फिजिकल कीबोर्ड का नोटिफिकेशन हमें दिखाता है, विच मीन्स कि हमारा माउस डिटेक्ट हो चुका है। तो चलिए इसका एक बार पॉइंटर चला के देखते हैं कि हमारा माउस किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो उसके लिए मैं माउस का पॉइंटर एक बार हिलाता हूँ। तो इसको एक फ्लैट सरफेस पे रखते हैं। तो अगर आप इसको पास से देखें तो हमारा माउस का पॉइंटर जो है वो काम करना शुरू कर दिया, देखिए। और अगर मैं इससे फॉर एग्जांपल यूट्यूब खोलूं तो ये देखिए ये ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों आपने देख लिया कि ऑनर प्ले USB माउस को सपोर्ट करता है। OTG के थ्रू USB माउस आप इसमें यूज कर सकते हो। तो चलिए माउस को निकालते हैं और अब चेक करते हैं कि क्या ये पेन ड्राइव को सपोर्ट करेगा। तो चलिए मैं ये अडेप्टर निकाल देता हूँ और इसमें मैं पेन ड्राइव प्लग करता हूँ। तो देखिए मैंने पेन ड्राइव प्लग इन कर दी है इसके अंदर, और इसको अब मैं फोन में प्लग करने जा रहा हूँ। तो पेन ड्राइव फोन में प्लग हो चुकी है। तो चलिए अब नोटिफिकेशन एरिया में देखते हैं कि क्या हमें दिखता है। तो अगर आप नोटिफिकेशन एरिया में जाके देखें तो हमें USB ड्राइव दिखा रहा है फॉर ट्रांसफरिंग फोटोज एंड मीडिया। तो विच मीन्स कि हमारे फोन ने पेन ड्राइव को भी डिटेक्ट कर लिया है और हम इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो चलिए व्यू में जाके देखते हैं कि इसके कंटेंट हमें दिखाता है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो पेन ड्राइव के कंटेंट्स हमें दिखने शुरू हो गए हैं, और अगर आप ऊपर देखो सोर्स तो उसमें USB ड्राइव लिखा हुआ है। तो विच मीन्स कि हमारे फोन ने पेन ड्राइव को भी डिटेक्ट कर लिया और हम इसके कंटेंट भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हुई पेन ड्राइव की बात। तो चलिए अब चेक करते हैं कि क्या हमारा ऑनर प्ले एक साथ पेन ड्राइव को और माउस को सपोर्ट करेगा। तो उसके लिए मैं अपनी एक USB हब इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले पेन ड्राइव इसमें से निकाल देते हैं। तो मैंने पेन ड्राइव निकाल दिया और उसके बाद मैं ये अडेप्टर भी निकाल देता हूँ। उसके बाद मैं ये OTG हब जो है इसमें अडेप्टर में प्लग कर देता हूँ। प्लग इन हो चुकी है। चलिए अब प्लग करते हैं पेन ड्राइव को और माउस के डोंगल को। तो दोस्तों दोनों चीजें कनेक्ट हो चुकी हैं। चलिए अब इसको फोन में कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों USB OTG अब हमारी कनेक्ट हो चुकी है। तो चलिए अब देखते हैं नोटिफिकेशन एरिया में कि फोन ने इसको डिटेक्ट किया या नहीं। तो अगर आप नोटिफिकेशन एरिया में जाके देखें तो हमें यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है सप्लाइंग पावर टू कनेक्टेड डिवाइस ओवर USB, विच मीन्स कि हमारे फोन ने हब को तो डिटेक्ट कर लिया है, बट इसमें लगी जो ये डिवाइसेस है उसको एनी हाउ ये कनेक्ट नहीं कर पा रहा है और इसको डिटेक्ट भी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अगर डिटेक्ट करता तो यहाँ पे हमें नोटिफिकेशन मिल जाता। तो चलिए एक बार मैं आपको ये चेक करा देता हूँ कि ये हब सही भी है या नहीं। तो इसके लिए मैं इस हब को यहाँ से निकाल देता हूँ और उसको मैं अपने किसी और फोन के अंदर इस्तेमाल करके देखता हूँ।
तो दोस्तों ये है मेरा Redmi Note 4। तो चलिए इसमें मैं आपको ये हब लगा के एक बार दिखा देता हूँ कि ये हब वर्किंग भी है। तो देखिए मैंने इसको कनेक्ट कर दिया और चलिए यहाँ पे नोटिफिकेशन एरिया में देखते हैं। तो अगर इसके नोटिफिकेशन एरिया में देखो तो आपको यहाँ पे फिजिकल कीबोर्ड का और यहाँ पे पेन ड्राइव का सिंबल दिख रहा होगा। अगर मैं आपको थोड़ा सा एक्सपोजर एडजस्ट करके दिखाऊं तो देखिए यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगर फिजिकल कीबोर्ड और प्रिपेयरिंग सैंडिस्क ड्राइव का सिंबल दिख रहा है और ये हमारी सैंडिस्क ड्राइव यानी हमारी जो पेन ड्राइव है वो रेडी भी हो चुकी है। तो विच मीन्स कि हमारी यूएसबी ओटीजी हब काम कर रही है लेकिन ऑनर प्ले इसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो दोस्तों आपने देख लिया कि ऑनर प्ले एक साथ मल्टीपल यूएसबी डिवाइसेस ओटीजी के थ्रू नहीं सपोर्ट करता है। ऑल दो ये अगर आप एक टाइम पे एक यूएसबी ओटीजी डिवाइस इसमें यूज करोगे तो आराम से सपोर्ट कर देगा, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों ये तो हुई लाइट यूएसबी डिवाइसेस की बात। चलिए अब चेक करते हैं कि क्या ये मेरी ये 1 TB की हार्ड डिस्क को डिटेक्ट करता है। तो उसके लिए हम सेम प्रोसीजर करेंगे। हम सबसे पहले इस ओटीजी अडेप्टर को इसकी वायर में कनेक्ट कर देते हैं और उसके बाद USB टाइप C टू माइक्रो USB OTG अडेप्टर इसमें कनेक्ट कर देते हैं। तो चलिए मैं ये वायर भी इसमें कनेक्ट कर देता हूं अपनी और चलिए इसको अब करते हैं अपने फोन में प्लग इन। तो दोस्तों अगर आप यहां पे देखें तो हार्ड डिस्क में लाइट आ चुकी है, विच मीन्स हार्ड डिस्क हमारी पावर ऑन तो हो चुकी है। अब देखते हैं कि क्या फोन इसको डिटेक्ट करता है। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा नोटिफिकेशन एरिया में। तो अगर आप नोटिफिकेशन एरिया में देखें तो यहाँ पे आपको USB ड्राइव फॉर ट्रांसफरिंग फोटोज एंड मीडिया दिख रहा होगा, विच मीन्स कि हमारे फोन ने इसको डिटेक्ट कर लिया है और ये ड्राइव अब हम यूज कर सकते हैं। चलिए व्यू में जाके देखते हैं कि हमें इसके कंटेंट दिखाता है। जी हाँ दोस्तों इसके कंटेंट हमें विजिबल है। चलिए मैं किसी फोल्डर में जाके देख लेता हूँ। देखिए फोल्डर के कंटेंट्स भी हमें मिल रहे हैं इसमें। तो दोस्तों आपने देख लिया कि ऑनर प्ले 1 TB की हार्ड डिस्क को भी डायरेक्टली डिटेक्ट कर लेता है, विच मीन्स कि अगर आप उसको डायरेक्टली यूज करते हो। ऑल दो ये अगर आप इस तरीके की कोई यूएसबी हब इस्तेमाल करते हो तो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता है, जो कि एक ड्रॉबैक हो सकता है अगर आप एक से ज्यादा एक यूएसबी ओटीजी डिवाइस इसमें यूज करना चाहते हो। बट इसका एडवांटेज ये है कि आप इस तरीके के हार्ड डिस्क को भी डायरेक्टली इसमें यूज कर सकते हो। तो दोस्तों ये तो हुई 1 TB हार्ड डिस्क की बात। चलिए अब इससे एक 2 TB की हार्ड डिस्क कनेक्ट करके देखते हैं कि क्या ये उसको डिटेक्ट करता है। तो उसके लिए मैं अपनी ये वेस्टर्न डिजिटल की एक 2 TB वाली हार्ड डिस्क इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। चलिए इसमें कनेक्ट कर देते हैं। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि ये वाली हार्ड डिस्क जो है वो NTFS फाइल फॉर्मेट से फॉर्मेटेड है, जो कि MI के मैक्सिमम फोन सपोर्ट नहीं करते हैं। तो चलिए चेक करते हैं कि क्या ये फोन ऑनर प्ले इसको सपोर्ट करेगा। तो देखिए हार्ड डिस्क हमारी ऑन हो चुकी है, इसमें पावर भी आ चुकी है। चलिए अब चलते हैं अपने नोटिफिकेशन एरिया में। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आपको USB ड्राइव दिख गया होगा लिखा हुआ फॉर ट्रांसफरिंग फोटोज एंड मीडिया। तो चलिए व्यू में जाके देखते हैं कि इसके कंटेंट्स हमें दिखते हैं। तो दोस्तों इसके कंटेंट भी हमें दिखने शुरू हो गए हैं। देखिए मैं इसमें कोई एक फोल्डर में जाके देखता हूँ। बिल्कुल दोस्तों, तो देखिए मुझे इसके कंटेंट्स भी दिखाई देने शुरू हो गए हैं, विच मीन्स कि मैं इसके कंटेंट्स फोन में कॉपी भी कर सकता हूँ और फोन के कंटेंट्स इसके अंदर भी कॉपी कर सकता हूँ। तो चलिए इसको निकाल देते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि अब आपको पता चल गया होगा कि हमारा ऑनर प्ले एक्सटर्नल यूएसबी ओटीजी डिवाइसेस को सपोर्ट करता है एज लॉन्ग एज आप इसमें डायरेक्टली प्लग इन करें। अगर आप इस तरीके की कोई भी यूएसबी हब इस्तेमाल करते हो तो पॉसिबिलिटी है कि ये उसको डिटेक्ट ना करें। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये 2 TB तक की हार्ड डिस्क को जो कि NTFS से फॉर्मेटेड है उसको भी पावर ऑन कर सकता है और उसको डिटेक्ट कर सकता है, जो कि काफी कन्वीनियंट है अगर आपको कोई भी डेटा कोई हैवी डेटा ट्रांसफर करना है हार्ड डिस्क से डायरेक्टली फोन में या फिर फोन से डायरेक्टली हार्ड डिस्क में। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक कीजिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आती तो आप इसको डिसलाइक कर दीजिए। अगर आप ऑनर प्ले से रिलेटेड कोई और भी वीडियो हमारे चैनल पे देखना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए और इसको शेयर भी कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।